दोस्तों आप में से काफी लोग जो है वो फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में कंफ्यूज होंगे। अब मुझे पता है ये कंफ्यूजन क्यों रेज हुई है, आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ। क्योंकि फ्रॉन्क्स जो है वो एक तो उसका प्राइस ऐसा रखा गया है जो लगभग सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज को टच कर रहा है, उसकी प्राइसिंग को टच कर रहा है। ब्रेजा से तकरीबन 82,000 रुपए सस्ता है लोअर वेरियंट में, और टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में अगर आप देखोगे तो ये ब्रेजा से तकरीबन 1,00,000 रुपए सस्ता है। अब अगर हम फ्रॉन्क्स को और चीजों पे नापे तो आपको रियलाइज होगा कि ये लगभग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी ही बनाई गई है। हाइट अगर थोड़ी सी और हो जाती तो ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ही थी, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे रखी गई है उसमें ये प्रीमियम हैचबैक के अपर वेरिएंट्स एंड सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के लोअर वेरिएंट्स को टच कर रही है। अब ये कंफ्यूजन बनना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो लोग जो एक्चुअली मारुति सुजुकी गाड़ियों के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनको खरीदना चाहते हैं उनको उनके लिए कंफ्यूजन पैदा कर देती है, क्योंकि ये ना सैंडविच बन चुकी है ब्रेजा एंड बलिनो के बीच में। अब ऐसे पोजीशन में बलिनो का बेटर वेरिएंट खरीदा जाए या फिर ब्रेजा का छोटा वेरिएंट खरीदा जाए, उसके ऊपर डिस्कशन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और जस्ट इन केस अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो दोस्तों, और फिर मैं आपको बताता हूं कि फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में कैसे सिंप्लीफाई किया जाए अपना डिसीजन। देखो अगर आप फ्रॉन्क्स प्लान कर रहे हो ना तो आपका जो बजट है ना मैं दो तरीकों से सब डिवाइड कर देता हूं। एक तो वो लोग जो इनका बजट ही 8 से 10 लाख के बीच में है वो फ्रॉन्क्स की तरफ देख रहे हैं, एक वो लोग जो 10 से 15 लाख के बीच में जो है वो फ्रॉन्क्स को प्लान होते हुए देख रहे हो। अब वो लोग जिन लोगों का बजट 8 से 10 है यानी कि जो कैटेगरी नंबर 1 है, उनके लिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है कि यार मैं फ्रॉन्क्स की तरफ जाऊं या ब्रेजा की तरफ जाऊं। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप फ्रॉन्क्स और ब्रेजा में कंफ्यूज्ड हो 8 से 10 लाख के बजट में तो कंप्लीटली आपको फ्रॉन्क्स की तरफ ही झुकना चाहिए, क्योंकि फ्रॉन्क्स के 10 लाख के अंदर अंदर लगभग 3 वेरिएंट जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप नॉन टर्बो वेरिएंट खरीद रहे हो तब भी, अगर आप टर्बो वेरिएंट्स खरीद रहे हो तब आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन वो भी 10 लाख के अंदर आ जाता है। आप अगर ब्रेजा की तरफ देखोगे तो आपका केवल रियलाइज होगा कि उसका LXi वेरिएंट ही 10 लाख के अंदर अवेलेबल है, जबकि डीलर्स ने एटलीस्ट मेरे दिल्ली एनसीआर जोन में तो डीलर्स ने जो है वो बुकिंग लेने के लिए ही इनकार कर दिया है ब्रेजा LXi की, क्योंकि उसके ऊपर वेटिंग पीरियड ही इतना ज्यादा है और पिछले 1 साल का जो पाइलअप्ड बुकिंग्स हैं वो उनकी डिलीवरी धीरे धीरे कर हो रही है। अगर आप किसी ऐसे जोन में रहते हैं जहां पे डीलर भी अगर LXi की बुकिंग ले रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वो तकरीबन 9 महीने से लेके 14 महीने के इंटरवल के अंदर होगी, और इतना बड़ा वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों के लिए जो पैसा हाथ में लेके बैठे हुए हैं। समझ रहे हो, मेरे पास में पैसा है लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और वो उसका रीजन है क्योंकि जो मेरी मनपसंद गाड़ी है उसके ऊपर वेटिंग ही इतनी ज्यादा है, या अगर जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तो अब ऐसे केस में किया क्या जाए उसके ऊपर जरा बात करते हैं। देखो ब्रेजा जो है वो हर महीने 14, 15 या 16,000 यूनिट सेल आउट कर रही है, और फ्रॉन्क्स को इस पायदान में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। रीजन बीइंग ब्रेजा तो है ही इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा सेलिंग, बट बलिनो भी जो है वो मारुति सुजुकी की तरफ से हर महीने काफी अच्छे नंबर्स कर रही है। ऐसे उन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है वो या तो ब्रेजा की सेल्स रिड्यूस करेगा या फिर वो बलिनो की रिड्यूस सेल्स करेगा, एंड तब जाके वो इक्वलाइज होगा। वो इंडिविजुअल या नए कस्टमर जो है वो यहां पे डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब 8 से 10 लाख वालों के लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो 1.2 लीटर का इंजन है वो तो इसका काफी अच्छा इंजन है, वैल्यू फॉर मनी भी और रिफाइंड भी काफी है, बट अगर आप टर्बो इंजन खरीद रहे हो तो सावधान रहना, क्योंकि ये इतना अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको खरीदना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। i20 N line के अंदर आने वाला जो इंजन है वो बहुत अच्छा इंजन है, और उसके कंपैरिजन में इसके पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर्स दोनों ही इतने अच्छे नहीं है। इनफैक्ट 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट इसके अंदर दिया गया है, जबकि i20 N line के अंदर आने वाला जो ट्रांसमिशन है वो एक DCT यानी कि ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ ट्रांसमिशन है। चलो हल्का सा इसको कंपेयर कर लेते हैं ब्रेजा के साथ में भी, क्योंकि हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। तो 8 से 10 लाख वाले लोगों की तो कंफ्यूजन दूर हो गई, दे कैन एक्चुअली स्टिक टू फ्रॉन्क्स अगर वो खरीदते हैं तो, या वो क्या कर सकते हैं अपने डिसीजन को थोड़ा और मॉडिफाई करके नेक्सॉन भी यहां पर खरीद सकते हैं, क्योंकि नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी SUV है जिसके वेरिएंट्स ही खत्म नहीं होते और उनके वेरिएंट एक्सप्लेन करने में हमें भी काफी तकलीफ होती है। तो वो एक ऐसी गाड़ी है जो हर प्राइस पॉइंट में
जिसका जिनका बजट 8-8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 15 लाख रुपए तक जाता है, उस पूरे प्राइस ब्रैकेट में हर एक 50,000 या हर 75,000 रुपए पे एक वेरिएंट उसका अवेलेबल है। इस वजह से नेक्सॉन के साथ में इसको कंपेयर करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नेक्सॉन का अगर आप छोटा वेरिएंट खरीदोगे भी तो उसके ऊपर इतनी लंबी वेटिंग नहीं है कि आपको एक एक साल भर रुकना पड़े जो ब्रेजा के साथ में है। सो 8-10 लाख वाले लोग वो अपने आप को कंसिडर करें, या तो फ्रॉन्क्स पे स्टिक करना या नेक्सॉन और बलिनो जैसे प्रोडक्ट के साथ में जाने में। अच्छा, नेक्सॉन इसलिए भी कॉम्पिटिटिव है क्योंकि नेक्सॉन रोबस्ट डिजाइन के साथ में आ रहा है। इनफैक्ट उसका जो इंजन है वो डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में आता है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई देखो आज भी, और छोटे वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इनफैक्ट दिस कार हैज वेरिएंट्स इन एवरी प्राइस रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो अलॉय व्हील्स अगर आपको लेने हैं तो उसका अलग वेरिएंट, अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए टच स्क्रीन तो वो वेरिएंट मिल जाएगा, अगर आपको छोटे वेरिएंट में सनरूफ चाहिए तो भी आपके पास में वेरिएंट अवेलेबल है। तो ये सच में कॉम्पिटिटिव गाड़ी बन जाती है। अब हम चलेंगे 10 से 15 लाख वाले बजट पे, लेकिन उससे पहले क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं फ्रॉन्क्स और ब्रेजा के अंदर कितना अंतर है। देखो फ्रॉन्क्स का जो 1.2 लीटर का इंजन है वो दो ही वेरिएंट में कंपेरेबल है, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस एएमटी में, अगर आप ब्रेजा से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन डेल्टा प्लस टर्बो, जेटा टर्बो, अल्फा टर्बो प्लस इनके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको ब्रेजा से कंपीट होते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रेजा के बारे में बात करें तो उसका VXI, ZXI, ZXI प्लस एंड CNG के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे कंपीट करते हुए नजर आएंगे फ्रॉन्क्स के साथ में। डिजाइन में भी दोस्तों फ्रॉन्क्स जो है वो एक क्रॉसओवरिश लुक लेके आती है और रेज्ड ओवर हैचबैक लगती है। ये ब्रीड ही एक हैचबैक एंड SUV के बीच की ब्रीड है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये बलिनो एंड ब्रेजा के बीच में सैंडविच की गई है। लुक्स काफी नए हैं, इनफैक्ट मेरी मानो तो फ्रॉन्क्स का डिजाइन ब्रेजा से काफी अलग और मुझे ज्यादा पसंद आता है ब्रेजा के कंपैरिजन। हालांकि ब्रेजा जो है वो काफी SUV-ish लगती है, टायर साइज भी उसके बड़े हैं जिसकी वजह से पॉट होल कवर करने में ब्रेजा को ज्यादा समस्या नहीं होती है। डायमेंशन वाइज अगर देखा जाए तो ब्रेजा 15 मिलीमीटर ज्यादा वाइड है, 135 मिलीमीटर उसकी हाइट भी ज्यादा है, जबकि फ्रॉन्क्स की जो व्हील बेस है वो 20 मिलीमीटर ज्यादा है, जिसकी वजह से नो डाउट उसको लेगरूम में ज्यादा बेनिफिट होता है। सेफ्टी भी लगभग बराबर ही है दोनों गाड़ियों में, 6 एयरबैग्स के साथ में आते हैं उसके टॉप ऑफ द लाइन रेंजेस, बट जो ब्रेजा है उसके पास में साइड एडजस्टेबल सीट बेल्ट एंड इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे फीचर्स अवेलेबल है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में ये दोनों गाड़ी डिट्टो हूबहू है, बस ये है कि ब्रेजा के पास में एक सनरूफ का ऑप्शन जो है वो एडवांटेज के तौर पे आता है, जबकि फ्रॉन्क्स जो है वो यूवी कट विंडोज के साथ में आते हैं जो आपको समर्स में काफी हेल्प करेगा गाड़ी को ज्यादा ठंडी रखने के लिए। और ये जो फीचर लिस्ट है वो सेम इसलिए है क्योंकि सेम मैन्युफैक्चरर है, अब सेम मैन्युफैक्चरर के पास में वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनकी वजह से वो अपने यानी कि वो अपने सक्सेसर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। जैसे ब्रेजा के अंदर ये सारे फीचर्स हैं तो उन्होंने बलिनो के अंदर शिफ्ट किए, बलिनो के पास में ऑलरेडी थे तो इसलिए उन्होंने फ्रॉन्क्स को जो है वो सारे फीचर्स ऑफर किए। इसलिए 19-20 का अंतर आपको नजर आएंगे इनके फीचर्स में, सेफ्टी में, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में एंड इनफैक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अब जरा बात कर लेते हैं वो लोग जो 10 लाख रुपए से 15 लाख के अंदर फ्रॉन्क्स को प्लान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे लगता है कि आपको ब्रेजा की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस ढूंढ रहे तो भी, क्योंकि जो 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज बूस्टर इंजन है सुजुकी का वो बहुत ज्यादा परफॉर्मी नहीं है। इनफैक्ट ब्रेजा का 1.5 लीटर जो इंजन है वो भी कमाल इंजन है, काफी रिफाइंड है और वो काफी कॉम्पिटेटिव भी है इस इंजन के। 6-स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसमें भी आता है एंड इन्वेस्टिंग अप टू 15 लाख रुपीज इन अ प्रोडक्ट जो एक्चुअली में क्रॉसओवर है, मुझे लगता है कि वो प्राइस टू प्रोफाइल का जो रेशियो है गाड़ी की प्रोफाइल का वो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। इट्स बेटर अगर आपको परफॉर्मेंस इंजन ही चाहिए तो आप टाइगन या कुशाक के तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर आपको और थोड़ा लगता है कि यार मुझे थोड़ा स्टेबल गाड़ी भी चाहिए तो सेडान वुड बी द बेस्ट पार्ट, सेडान आप कंसिडर कर सकते हैं। 15 लाख के अंदर आपको वर्टस एंड स्लाविया दोनों ही बेहतरीन पैकेज के साथ में मिलती हुई नजर आएंगी। हालांकि क्योंकि हम कॉम्पैक्ट SUV में ही देख रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो कुशाक एंड टाइगन यहाँ पे रहने वाले हैं जो इस सेगमेंट के हैं भी नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली उसके छोटे वेरियंट जो है वो आपको यहाँ पे 15 लाख के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। प्लस दे हैव एन एडवांटेज ऑफ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जो इन सभी प्रोडक्ट में से किसी के पास नहीं है, नॉट इवन नेक्सॉन। Yes, you heard it right. Nexon के अंदर 5-star rating तो है, but adult and child occupancy के अंदर वो काफी पीछे है Taigan and Kushaq जैसे product। मुझे लगता है Fronx के जो अभी भी target audience है, ये target customers I would rather say, वो है, वो अभी भी hatchback
प्रीमियम हैचबैक, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के छोटे वेरिएंट्स या सब कॉम्पैक्ट सेडान्स हैं वही हैं, और उनके लिए फ्रॉन्क्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, एक अल्टरनेट प्रोडक्ट हो सकता है, एक अल्टरनेट कार हो सकती है, नॉट मैं सेकेंडरी कार नहीं कह रहा हूं, मैं अल्टरनेट कार हो सकती है। दे कैन एक्चुअली थिंक ऑफ बाइंग अ फ्रॉन्क्स ओवर अ सेडान, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है जो रफ रोड कवर करने की क्षमता भी रखती है। याद रखे 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉन्क्स के अंदर आता है, जो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज है जिनमें से मुझे महिंद्रा एक्सयूवी 300 याद आ रही है, जिसके ग्राउंड क्लियरेंस इससे कम है। तो ऐसे में फ्रॉन्क्स उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बेहतर होगा जो 8 से 10 11 लाख रुपए तक जा सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट आई फील ब्रेजा वुड बी अ बेटर ऑप्शन। या मैंने जो आपको ऑप्शंस बताए यहाँ पे, आई होप कि अब जो है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ब्रेजा लेनी है कि फ्रॉन्क्स लेनी है, और ब्रेजा लेनी है तो फ्रॉन्क्स क्यों छोड़नी है, और फ्रॉन्क्स लेनी है तो ब्रेजा क्यों स्किप करनी है। और अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। ड्रामा